नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश ऋषि है और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। My best wishes to viral Bollywood. Viral phalao, jao. Can we have the light switched off? We will play the first song that we're releasing. Photo, photo, Mukesh ji, थोड़ा close आइए ना सर. अरे ये तो उधर है, उधर ही. उधर इस तरह की. अरे close है, ये wild हो रहा है पूरा. अच्छा. Wild हो रहा है, glare आ रहा है उसमें सर. अरे इस screen पे क्या बोल रहा है? LED बंद करो ना. LED LED बंद कर, बोल रहे हैं आपसे जरा. LED बंद करो. चला LED बंद करो. सर ग्लेयर है, सर सीधे नाम ही नहीं दिख रहा है, ग्लेयर है। चश्मे एंगल बदल, हम इसको ऐसा कर देंगे सब दिखाई देगा। हाँ, नाम भी कहाँ तो ग्लेयर आएगा उधर। इधर हाँ, आप ही नहीं आ रहे थोड़ा। आप सर रॉस बहुत अच्छे हैं। थोड़ा आ गया क्या? आ गया। ने अपना काम करवा लिया। सिंह साहब, यस सर। अरे अरे क्या, अरे कमाल कर रहा है। रुपाली है? हां रुपाली, रुपाली पाली पाली नहीं है, रुपाली जी नहीं हो नहीं सकता सर। रुपाली, यस सर प्लीज। अरे आई थिंक सर प्लीज कस्टमर देंगे। And after the photo ops, the lights can switch off now, and we're going to see the first look of Mahayodhara. Now you're going to do something. Is it clear? No, I'm not. If you have 11 heads of down, Mukesh. Third close. Light. 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 Hold. Yeah. All right. Can we proceed with the audio visuals, Gurvil? Okay. Can we have this group, please, so we can. ये कहना कि मैंने फिल्म महायोद्धा राम में सिर्फ रावण के लिए आवाज़ दी है गलत होगा। मैंने इस फिल्म में रावण का अभिनय किया है, क्योंकि डायरेक्टर रोहित जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि वो मुझसे पहले रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं और 10-15 कैमरास लगाकर मुझे शूट करना चाहते हैं। वो डायलॉग बोलते हुए, वो एक्टिंग करते हुए,
फिर उन कैमरास को देखकर, उस फुटेज को देखकर जो एनिमेटर्स हैं वो रावण के एक्सप्रेशंस, रावण की बात करने का तरीका उसे ड्रॉ करेंगे, उसे टेक्निकली एनिमेशन के ज़रिए स्क्रीन पर पहुंचाएंगे। सर तो क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इसके लिए? मतलब आप देखिए ना कि मैंने उससे पहले बहुत फिल्मों में डबिंग की आवाज़ दी, तो डबिंग करने के टाइम पे आप एकदम रिलैक्स होते हैं क्योंकि आपकी सिर्फ आवाज़ की बात है। जब एक हॉल में आपके सब तरफ कैमरे लगे हैं, 10 कैमरे लगे हैं, वो कैमरा आपका हर एंगल, हर स्लाइटेस्ट ऑफ ट्विच, चेंज ऑफ एक्सप्रेशन, यू नो टर्निंग ऑफ आइज, हर चीज़ को कैप्चर कर रहा है, और उस समय कैप्चर कर रहा है जब आप पूरी लगन के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैं इस फिल्म को महायोद्धा राम में रावण के कैरेक्टर को करने में बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत इंटरेस्टिंग रहा और चैलेंज महसूस हुआ, इसलिए क्योंकि या तो एक्टिंग करते हैं आवाज़ अपने आप निकलती है, या जब डबिंग करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ आवाज़ पर है। पर ये पहली बार था जहां पर डायरेक्टर ये चाहता था कि आप एक्टिंग करें लेकिन एक बंद कमरे के अंदर, जहाँ पर कि सब तरफ से कैमरे आपको घेर कर उसे कैप्चर करें। सर आपने इंटरनेशनल ऑर्डर होंगे, जैसे कि ये आपने बताया कि आपकी पहला है, तो कितना अलग एक्सपीरियंस था इस तरीके का कैरेक्टर करना, और कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप इसके बाद करने के लिए? रावण का कैरेक्टर क्या, और क्या क्या मतलब आपने कुछ क्या क्या मतलब उसके ऊपर देखा और किस तरीके से मतलब आपने रावण का कैरेक्टर वैसे ही बहुत ही चैलेंजिंग है एक एक्टर के लिए। बहुत यू नो खुशकिस्मती की बात है कि आपको रावण का रोल निभाने को मिल रहा है, क्योंकि ये वन डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं है, मल्टी इमोशंस हैं उसके कैरेक्टर के अंदर। और मेरे लिए ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मैं एक मशहूर बैड मैन हूँ, तो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जब रावण के कैरेक्टर को करूँगा स्क्रीन पर तो उसमें कुछ नई बात होगी, कोई इंटरेस्टिंग बात होगी जो लोगों को पसंद आएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जब लोग फिल्म महायोद्धा राम देखेंगे तो उन्हें मेरे द्वारा पेश किया गया रावण का कैरेक्टर ज़रूर पसंद आएगा। सर दिल्ली में रामलीला में आपने काफ़ी परफॉर्म किया है, तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी काम आया आपको यहाँ पे? बिल्कुल जी, मेरा अभिनय में मेरी शुरुआत रामलीला से हुई, जहाँ पर मैं रहता था दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पर त्रिनगर में। वहाँ पर पहले मुझे वानर सेना में, हनुमान जी की सेना में रोल मिलता था, रावण जी की सेना में, बाद में करते करते मुझे मेघनाथ तक का रोल मिला। उसके बाद ऑफ कोर्स मैं कॉलेज की पढ़ाई के बाद बम्बई आ गया, तो उसके बाद मैंने रामलीला में काम नहीं किया। लास्टली ये पूछना चाहूँगा, आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काफ़ी काम किए हैं जी, काफ़ी नहीं बच्चे, भारत देश के कमर्शियल सिनेमा का मैं पहला एक्टर हूँ जिसने बॉलीवुड टू हॉलीवुड का ट्रांजिशन शुरू किया। मैं पहला भारतीय कमर्शियल सिनेमा का एक्टर हूँ जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में एक मट्टी का रास्ता बनाया, एक पगडंडी बनाई, और आज मुझे फख्र है, खुशी है कि उस मट्टी के रास्ते को बहुत मेरे साथी कलाकार सीमेंट कर रहे हैं, पक्का मजबूत कर रहे हैं, उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे कलाकार हम भारतीय सिनेमा का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, इरफान खान, बहुत सारे कलाकार, और आने वाले समय में बहुत सारे यंग कलाकार भी उस मट्टी के कच्चे रास्ते को जो मैंने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में बनाया उसे और मजबूत और शानदार बनाएंगे। तो सर इस अचीवमेंट के लिए हर कोई प्राउड फील करता है आपके लिए, बिल्कुल। ये बताइए कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं क्या आप? इस समय बाद महायोद्धा राम की है, इस समय बाद जो मैंने रावण की भूमिका की है इस फिल्म में उसकी है, मैं बात उसी पर क्या कहते हैं यू नो कॉन्सनट्रेट करूँगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर मैं बुलाना चाहूँगा एक्चुअली यार अभिमन्यु एंड रोहित, यार रोहित एक अरे अभिमन्यु जी, रोहित रोहित यार, पहले तो ये जो दोनों पैशनेट आदमी है जिनकी मैं आइए ना यार, अरे
आइए जी, फिल्म के प्रोड्यूसर अभिमन्यु जी और डायरेक्टर रोहित जी, मैं मैं क्या कहते हैं कि दाद देना चाहूँगा इनके पैशन की, लगन की, रोहित की फॉरवर्ड थिंकिंग की, कि किस तरह से मैंने बताया इन्हें, रोहित के उन्होंने कहा कि आपने वॉइस ओवर दिया, आई सेड वॉइस ओवर नहीं, मैंने इस फिल्म में एक्टिंग की, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा कि मैं 10 कैमरे लगाकर पहले आपको एक्टिंग करते हुए आवाज़ देते हुए रिकॉर्ड करूँगा, फिर एनिमेशन करूँगा। आप बताओ भाई, डायरेक्शन का एक्सपीरियंस, बड़े बड़े कलाकार हैं, गुलशन सर हैं, जिमी सर हैं, कुणाल कपूर, समीर रेड्डी। मोर देन दैट, एनिमेशन फिल्म काम ऐसे करती है कि जब तक इनसे इनकी एक्टिंग सही नहीं हो, इनका वॉइस ओवर सही नहीं हो, इनकी आवाज़ सही नहीं हो, तो कोई एक्टिंग हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में आई थिंक चैलेंज क्या था, इनको सिर्फ बताना था रोल क्या है, बाकी ये लोग लेके निकल गए। इट वॉज वेरी इजी। गलत बोल रहे हैं। इनका जो रोहित की क्लैरिटी, तो पहली चीज़ मुझे एकदम ज़बरदस्त इम्प्रेस की कि हाउ क्लियर ही वॉज। मैं जब अलग अलग तरह के डायलॉग, अलग अलग तरह के सीन कर रहा था, तो रोहित बस दो शब्द में आके कोई चीज़ बताते थे, मैं कहता था कि सर इस तरह से, एंड इट वॉज सो क्लियर। मैं ऐड करना चाहूँगा ऑफ कोर्स कि यू नो, वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट प्रोड्यूसर अभिमन्यु, जिन्होंने एनिमेशन फिल्म में, आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी समय लगता है बनाने में, बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा लगता है, एंड उसी पैशन को उतने बरस तक कंटिन्यू करना और ज़्यादा जोश के साथ में फिल्म को लोगों के सामने लेकर आना, इज समथिंग दैट रियली रियली द क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। तो ये बताइए कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, मतलब ऐसे तो कोई फिल्म में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, लेकिन एनिमेशन फिल्म की बात करें तो इसका मार्केट जो बेस है इसका रिस्क तो बहुत है, पर जैसे अगर आपके पीछे रावण पड़ जाए तो आपको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये स्टारकास्ट की बात करें, ये कितना आपके लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये जो स्टारकास्ट इतना मिलना आसानी था, सब कोई बिजी है, कुणाल कपूर से लेकर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ पिक्चर के बारे में, जो ना तो ट्रेलर में आया है ना तो हमने अभी तक कम्युनिकेट किया है, कि इस बार आपको रावण जो दिखाई देंगे, आपको सारे 10 सर, 10 डिफरेंट एक्टर्स ने वॉइस किए हैं, तो पहली बार आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रावण जैसे वाल्मीकि ने उनको रेंडर किया था, इतने बुद्धिमान थे, तो उनके इतने सर कितना आर्ग्यू करते थे, और सेंट्रल सेट को जो उनके जो मेन सर जो गुलशन जी प्ले कर रहे हैं उनको कितना कंफ्यूज कर देते थे। तो किस लार्ज स्केल पे इसको आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इंडिया या वर्ल्ड वाइड? नो, सो वी आर डूइंग अ फुल इंडिया रिलीज, एंड होपफुली फ्रॉम इंडिया इट शुड गो आउट and the world should watch this great tale of Ramayana. Lastly, आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब international level पे जो animation films होती हैं, आप देखते हैं उनका budget भी होता है, larger than life होता है, उस तरह का अभी हमारे country में कब मतलब देखने को मिलेगी, वो larger than life image जो create करती है animation films? Hopefully हमारे film के साथ देखने को मिलेगा। हाँ, film hit करो आप लोग भी encourage कीजिए कि बच्चे जाके देखें इस फिल्म को, और हम भी चाहेंगे, हम अपने सारे प्रमोशन के द्वारा चाहेंगे कि बच्चे देखें, बच्चे इनकरेज हों, फैमिलीज़ इनकरेज हों, क्योंकि हमने जो कहानी बनाई है हमारे हिसाब से दोनों बच्चे और एक परिवार दोनों साथ में जाके ये कथा को एक नई रेंडिशन रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से, रावण के 10 सर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी रामायण देखने को मिलेगी। सर, जिस तरीके से सर बच्चों की बात चलिए सर, तो हाल ही में सर जो मुंबई जूनियर मैराथन करके एक रनिंग इवेंट है जिसमें बच्चों के हेल्थ एंड इश्यूज को लेकर उसमें रनिंग इवेंट है, तो आप बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटीज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, बहुत ही नेक बात है, बिल्कुल हम भी सपोर्ट करेंगे, और मैं वापस अपनी फिल्म की तरफ जाता हूँ कि मैं मेरे मित्र स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव को यू नो बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत यू नो बहुत पैशन से, बहुत प्यार से आदेश ने इस फिल्म में म्यूज़िक दिया, और फिर ये बागडोर आदेश के बेटे ने संभाली, जो मैंने लास्ट गाना डब किया जब वहाँ पर गया आदेश के स्टूडियो में दोबारा, तो आदेश के स्वर्गवास के बाद उसका बेटा इस कमान को संभाले हुआ था, और उसने कहा कि अंकल मैं आपकी आवाज़ डब कराऊँगा। तो ये फिल्म जो है महायोद्धा राम, आई मीन ऑफकोर्स रोहित ज़्यादा अच्छी तरह से बता सके, क्योंकि क्या हुआ एक पॉइंट के बाद ना
रोहित पे पूरा भरोसा कर लिया कि वट एवर द डायरेक्टर वॉज सेइंग बिकॉज, और ये भरोसा आता है इतनी फिल्में करने के बाद जब आपको कोई चीज़ एबिलिटी की झलकती है कि आपको लगता है कि यार यस मुझे अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, द डायरेक्टर हैज़ इट ऑल क्लियर एंड डायरेक्टर हैज़ लुक्ड एट वेरियस एवेन्यूज एंड वेरियस ऑप्शंस. सो ओवर टू यू रोहित. रोहित आपसे जानना चाहिए एक एनिमेटेड फिल्म बनाना मतलब कितना मुश्किल होता है, कितना डिफिकल्ट होता है? सारी एक्टिंग खुद ही करनी पड़ती है, सबको बोता. और एनिमेशन फिल्म के बारे में ऐसा है कि जान तो है नहीं कि जब तक पता नहीं चलता कि वो देखेंगे क्या कि हमने रिकॉर्ड क्या किया, और रेंडर वेंडर होके लगा लगता है कि अभी फिर से इसको करना पड़ेगा तो फिर बैंड बजता है बिकॉज प्रोड्यूसर बोलता है अब टाइम नहीं है, और एक्टर बोलता है कि अब तो मैंने कर दिया. तो इट्स सो रियली आई थिंक इट्स टफ बट इट्स ऑल्सो ईजियर बिकॉज सारा कंट्रोल आपके हाथ में. सो कंट्रोल के हिसाब से आपके हाथ में, यू हैव फन विद इट, आई थिंक इट्स ईजियर दैट वे. एनिमेशन बच्चे देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे हीरो ऐसे दुनिया के हैं जिनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, लोग देख रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं. और ये जो इस तरह की जो एनिमेशन फिल्म है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारा अपना कल्चर जो है आज की जनरेशन तक पहुँचेगा जो बहुत स्लो हो रहा था. और ये फॉर्म जो है मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है, और हमारे पास जो टेक्निकली अब भी हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत साउंड हैं, और उससे ये चीज़ें और भी बेहतर बनती हैं, देखने में और भी मज़ा आएगा लोगों को. मुझे बेहद खुशी है कि इस एनिमेशन के ज़रिए हम अपने कल्चर, हमारी जो रामायण की जो कथा है जो दुनिया भर जिसे मानती है, दुनिया मानती है, वो बच्चों तक पहुंच पाएगी. इसलिए पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. सर आपने कहा था कि आपकी भी थ्री टीम वॉइस है और आप अपने वॉइस भी रिकॉग्नाइज होते हैं कि आपकी आवाज़ है. इतने सारे कैरेक्टर्स हैं मतलब बड़े कैरेक्टर्स, रिलीजियस कैरेक्टर, पॉलिटिकल कैरेक्टर, ऐसा कौन सा कैरेक्टर आप वॉइस देना चाहिए? देखिए एज ए एक्टर मुझे जो मिलता है मैं पहले तो उसको देखता हूँ. ये मुझे मौका जब मिला हनुमान जी की वॉइस देने के लिए तो मुझे बेहद बेहद खुशी हुई इस बात की, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, मुझे एक खुशी थी. कई बार आप कुछ काम करते करते कुछ अचीव कर जाते हो, जिस तरह अच्छी फिल्में होती हैं इसी तरह मुझे जब मौका मिला कि हनुमान जी के ऊपर वॉइस देना है तो बहुत बड़ी बात होगी. और जो रामलीला के से लेके और घर में जो रामायण पढ़ी जाती थी वो सब चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, महसूस की हुई हैं. मैं खुद कई बार घरों में बैठ के रामलीला का हिस्सा बन जाते थे. तो आज उसकी आवाज़ देने का जब मौका मिला तो मुझे बेहद बेहद खुशी हुई. तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि मेरी आवाज़ जो है इस मैं तो ये मानूंगा कि ऐसे महान शक्ति के लिए मेरी आवाज़ जो है इस काबिल समझी गई, एक मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात. मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं, मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया, क्योंकि रामायण जो है मेरे अंदर रची बसी है. क्योंकि मैं बता रहा हूँ जैसे रामलीला मेरे देखी हुई है. अभी भी मुझे पिछले 3 साल से मुझे रावण का रोल ऑफर हो रहा है जो दिल्ली में रामायण होती है, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा वहाँ किसी वजह से. इस साल भी मैं नहीं जा पा रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ. तो एक तो जहाँ तक समझ की बात है मुझे पूरी समझ है इस बात की, मैंने खुद देखा हुआ है, सुना हुआ है, हमने इतना सुना हुआ है इनके बारे में और पढ़ा भी हुआ है. तो मैं कोई आउट ऑफ द वे मुझे नहीं जाना पड़ा. हाँ यस, डायरेक्टर क्या चाहते हैं इसमें एक शायद एक पर्टिकुलर टोन हमने इस्तेमाल किया है वो उनको ठीक लगना चाहिए, वो जो चाहते थे. तो मुझे लगता है कि वो जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि ये रामायण तो मेरे अंदर रची बसी है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई करने में. मैंने कहा जैसे ये बहुत ही अच्छी बात है, अब रामायण, महाभारत, चाहे बाइबल है, इनके ऊपर जब कहानियाँ बनेंगी तो आज के बच्चों को हम कैसे दिमाग में उनके पेनिट्रेट कर सकते हैं. तो एनिमेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म, और इस फॉर्म में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह हुआ होगा उसे बहुत 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 इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. तो ये जो फॉर्म अभी चूज़ की गई है, खुशी इस बात की है कि बड़ी कंपनीज लाइक कंटिलो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई और उन्होंने इसे अपना एक वो बनाया कि हम इसे बेहतर तरीके से बनाएंगे और लोगों के सामने पेश करेंगे. तो सब चीज़ें मिल के टोटलिटी में मुझे लगता है ये फॉर्म जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है. इससे हम लोग अपने कल्चर को बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, आज के लोग जिस तरह देखना चाहते हैं उस तरह उनको दिखा पाएंगे. इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वेरी गुड एफर्ट. आपने बच्चे के बारे में बोला सर, इसी तरीके से मुंबई में जैसे जूनियर मैराथन का एक इवेंट चल रहा है, रनिंग इवेंट है सर,
जो बच्चों के हेल्थ एंड इश्यूज़ को लेकर उसमें ये इवेंट है और इसमें काफ़ी बॉलीवुड एक्टर एंड सेलिब्रिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे जब भी मौका मिलता है मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ, अभी पेड़ लगाने की शुरू हुई थी तो मैं एक संस्था के साथ जुड़ गया था, मैं यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर गया था, मैंने भी वो किया। साफ सफाई में अगर कोई मुझे बुलाता है, अगर मैं उसका हिस्सा बनता हूँ, मैं भी अपने एरिया में जुड़ा था कुछ लोगों के साथ में, तो मुझे लगता है कि जो भी देखें हमें हमारी हमारा देश जो है अभी चीज़ों को समझ रहा है, जो हम लोग यही समझ पा रहे थे कि अमीर बनना ज़रूरी है, अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी है और अच्छी दुकान अच्छा ऑफिस होना ज़रूरी है, लेकिन हम उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। हम ये भूल गए थे कि सब्जियां हमारी कितनी फ्रेश होनी चाहिए, किस तरह हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम भूल गए थे कि खाना हमारा कितना हाइजीन होना चाहिए, हमारा स्ट्रीट फूड कितना हाइजीन होना चाहिए, उनको किस तरह सिखाना चाहिए, ये चीज़ें हम नहीं भूल गए थे। तो ये चीज़ों की हमारी समझ अभी बड़ी है, तो मुझे लगता है कि टीवी के माध्यम से जिस तरह आप कह रहे हो बड़े लोग साथ में जुड़ेंगे, तो इन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग हैंडल कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। थैंक यू। Hey, you can go.